तो एक पॉट ये मैंने तैयार किया है, ठीक है, ये बोरी का ही पॉट है, लेकिन मैंने देखिए इसमें नीचे क्या है कि बॉटल लगा दी है, जिससे पानी जो ऊपर से नीचे आए तो वो क्या हो, आसानी से निकल सके, ठीक है। और इस पॉट में मैंने ये मिट्टी और वही जो खाद का, जो जिस तरह से मिट्टी बनाता हूँ उस तरह से ये मैंने यहाँ पे इकट्ठा किया है। ये देखिए कंकड़ है, इनको मैं बाहर कर दूंगा, ठीक है। और इसमें अपन लोग आज बोएंगे बरबटी, आप लोग जानते होंगे बीन्स, ठीक है, बीन्स। और इसमें अपन लोग बोएंगे कद्दू, ठीक है। तो कद्दू के लिए मैंने प्लान ये बनाया है कि कद्दू को मैं इस तरफ फैलवा दूंगा, इस सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़वा दूंगा टावर में, और उसके लिए मैं इधर कुछ व्यवस्था बनाऊंगा बीन्स के लिए, ठीक है। तो बहुत ही सही जगह पे ये मेरा पॉट रखा हुआ है। चलिए, तो ये देखिए कद्दू है, एक कद्दू का एक ही बीज है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे इसको बो दूंगा। ये सभी जो बरबटी बीन्स हैं मेरे पास, इनको मैंने अच्छा क्या किया है, एक बार फुलाया था, है ना, पानी में 12 घंटे के लिए। फुलाने से क्या होता है कि जो भी बीज होता है वो बहुत ही जल्दी जर्मिनेट होता है। ये देखिए मैंने इसको लगा दिया, इसमें मैं थोड़ी सी गोबर की खाद ऊपर से डाल दूंगा। गोबर की खाद क्या होती है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है पौधों के लिए, इससे पौधे क्या होते हैं बहुत ही शानदार उगते हैं, है ना। और ये देखिए मैं डाल दूंगा इसमें थोड़ा थोड़ा पानी, बहुत ही सावधानी से आपको पानी डालना चाहिए, है ना, पानी से, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो बीज इधर उधर हो जाएंगे और फिर उनके उगने में समस्याएं आएंगी, ठीक है। तो बहुत ही थोड़े धीरे धीरे तरीके से आप लोग उसमें क्या करेंगे, पानी को डालेंगे। हमारा पानी इसमें पर्याप्त हो गया है, फिर कुछ पानी बरसात का भी होता है तो वो भी आता है, ठीक है। इन सभी जितने भी मैंने आपको बताए हैं बोने के तरीके, इसमें अपन लोग को क्या करना है, लास्ट में बोरी ढक देना है, जिससे क्या होता है बोरी से नीचे गर्मी ज़्यादा हो जाती है, और जब नीचे गर्मी हो जाती है तो फिर उनके उगने में सहूलियत होती है। चलिए, तो आज 7 दिन पूरे हो गए हैं इस बरबटी को बोए हुए, तो आप लोग देखेंगे कि 7 दिन बाद क्या प्रोग्रेस है, कि लगभग 5 5 इंच, 4 4 इंच के पौधे आ चुके हैं। मैंने 3 दाने लगाए थे, देखिए तीनों दाने ही उगाए हैं। यहाँ पे मैंने कद्दू बोया था इस प्लेस में, जो आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये छोटा सा जो है कद्दू का दाना भी निकल रहा है, ठीक है। तो कहना चाहिए ये कि जितने भी दाने आप लोग जिस विधि से मैंने आपको बताया है, अगर आप उसे प्रोसेस पूरी करते हैं तो निश्चित तौर पे वो क्या होंगे, प्रोग्रेस में आएंगे, ठीक है। तो वाटर भी कर देते हैं, थोड़ा सा पानी दे देते हैं इनको, और बढ़िया सनलाइट में इनको रखे रहते हैं। चलिए, तो 15 दिन आज हो गए हैं इस बरबटी को बोए हुए अपन लोग को, और ये देखिए बरबटी जो है काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रही है। आज मैं आपको अगर बताऊँ, 15 दिन हो गए और लगभग इसमें 10 10 पत्ते के लगभग हर एक उसमें आ गए हैं। इसमें थोड़ी सी गुड़ाई कर देते हैं, क्योंकि 15 दिन हो गए, थोड़ी सी गुड़ाई कर देंगे, मिट्टी उधर उधर हो जाएगी, तो प्रोग्रेस रहेगा, जल्दी प्रोग्रेस होता है इससे, ठीक है। तो ऐसे गुड़ाई कर देना चाहिए, कोई भी चीज़ हो थोड़ा सा, ज़्यादा नुकीला ना हो कि वो आपके पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाए, लेकिन कुछ इस तरह का अगर होता है तो आप इससे गुड़ाई कर सकते हैं। चलिए, देखिए शानदार, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आज पूरे लगभग 28 दिन हो चुके हैं, और 28 दिन बाद देखिए ये बरबटी का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पौधा है, काफ़ी देखिए बड़ा हो गया है, और लगभग इसमें 15 15 20 20 पत्ते भी आ गए हैं। मैंने कुछ पत्ते तोड़ दिए हैं, क्योंकि ये जो कद्दू का पेड़ था, पौधा था, उसके प्रोग्रेस में क्या था, रुकावट आ रही थी, ठीक है। तो ये लगभग बड़े हो रहे हैं, और निश्चित ही 15 दिन या 1 महीने के अंदर ये फल भी देना चालू कर देंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। और